हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7 यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है 24 जुलाई को, उसका कोर्ट केस आज 12 तारीख उसकी हियरिंग है। तो अभी तक इसकी हियरिंग नहीं हुई है, इसमें ये अपडेट यही है, अभी इसकी हियरिंग नहीं हुई। शाम तक मैं देखते हैं इसकी हियरिंग होती है, एक आध दो दिन और भी आगे इसकी डेट बढ़ सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एडमिट कार्ड आने से पहले तक इसकी डेट को बढ़ा दिया जाए, एग्जाम होने के पहले किसी भी दिन करके इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर इसमें जिन लोगों ने केस कर रखा है याची जो लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को उसका लाभ दे दिया जाएगा, कुछ लोगों को अलग से ऐड करके पेपर करा दिया जाएगा। इसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो इस कोर्ट केस को लेकर जो लोग उछल रहे हैं, जबरदस्ती का परेशान हो रहे हैं कि इसमें पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कोर्ट केस हो गया है, 33% कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पेपर 24 जुलाई को होने वाला है और 24 जुलाई को ही होगा, इस पर इसका 24 जुलाई के एग्ज़ाम पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आज शाम तक में इसका कोई ना कोई डिसीजन जो है वो आ जाएगा, या तो फिर इसको अगले डेट के लिए आज टाइम ना होने की वजह से आगे टाल दिया जाएगा, जैसा कि एज यूजुअल होता रहता है। तो सुबह से लोग वीडियोज़ बना रहे होंगे कि 33% कर दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ होने वाला भी नहीं है बहुत कुछ। इसमें वही होगा कि ज़्यादा याचिका हुए उनको, जो लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा है उनको थोड़ा लाभ मिल जाएगा इसका, और किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीटी 2022 से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, उसका फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एक लिंक, ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम परेशानी होगी आपको फॉर्म भरने में, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। तो जरूरी क्या है कि 24 जुलाई को पेपर होने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 24 जुलाई को जो पेपर है लेखपाल का वो होगा। अब बात आती है लेखपाल के एडमिट कार्ड की, कि लेखपाल का एडमिट कार्ड जो है वो कब तक आएगा। तो लेखपाल का एडमिट कार्ड आप याद रख लीजिए कि 6 दिन पहले ही आने वाला है, 7 दिन पहले, क्योंकि देखिए ANM का जो एडमिट कार्ड था वो भी ऐसे ही आया एक हफ्ते पहले। अभी कल 11 तारीख को एडमिट कार्ड आया है जिसका 17 को पेपर है, तो आप मान के चलें कि 24 वाले जो एग्ज़ाम है 24 वाले का आपको 18 को देखने को मिलेगा, 17 या 18 को देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम, 18 को आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेखपाल का एडमिट कार्ड जो है वो 18 को दिखेगा। और अगर आपने अभी तक फीस जमा कर दिया है तब भी एडमिट कार्ड आपका कब से डाउनलोड होगा, जिस दिन लिंक एक्टिवेट होगा उस दिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उस दिन से लेकर आगे भी 24 जुलाई अगर उन्होंने डेट दे रखी है पैसा जमा करने का फीस का, तो तब भी जमा करेंगे तब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको यही कहेंगे, आप अपना फीस अगर नहीं जमा पाएँ तो अभी तक तो जमा कर दीजिए, ताकि जैसे एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो अपना, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और पेपर देने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरह की चीज़ों पर अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, आप फोकस करें, आप जो रिवीजन करें, जो आपने पढ़ लिया है अभी तक, आप अपने कंटेंट को रिवीजन करें। ज़्यादातर कहीं और से कंटेंट उठाने से अच्छा होता है, जो हमने पढ़ रखा है साल भर, 6 महीने, 2 साल, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे थे इतनी देर, जिसके बल पर हम पहले उसको तैयार करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो कुछ और पढ़ेंगे, नहीं तो हम सिर्फ उसी को देखते रहेंगे और उसी से अपनी पूरी तैयारी को कोशिश करेंगे पूरा करने का, और उसी से हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से अपने रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करें, पेपर 24 को ही होगा। कोर्ट केस के आज की जो भी हियरिंग होगी वो हम आपको जैसे ही उसका अपडेट आता है हमारे तक पहुँचता है, उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि और जो भ्रांतियाँ लोगों तक फैली हैं, लोग उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, उससे लोग दूर रह सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।